हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड के दूसरे पाठ की हिंदी कहानी को, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके पहले लेसन के बारे में। गद्य खंड का जो पहला लेसन है वो है नेताजी का चश्मा, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे, और नेताजी का चश्मा की पूरी स्टोरी भी मैंने आपको बताई थी। वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाकर नेताजी का चश्मा स्टोरी को भी देख सकते हैं और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जान सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाल गोविंद भगत के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। सॉरी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो मेक श्योर इसको लाइक करके जाना। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अपने जितने भी टेंथ वाले फ्रेंड्स हैं, मतलब जो आपके साथ टेंथ में पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं इस लेसन की कहानी को, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। देखिए, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, मतलब जिनके बारे में बात हो रही है और जिनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है, उनका नाम ही बाल गोविंद भगत है इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर के बारे में, कैसे हैं ये, कौन है, क्या है, कैसे दिखते हैं। तो कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है कुछ यहाँ से होती है कि बाल गोविंद भगत जो है 60 वर्ष की आयु वाले इंसान हैं, मतलब बूढ़े हैं वो, 60 ईयर्स उनकी एज है, और उनका जो कद है वो मझोला सा है। गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे ये, वे कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे, और काला जो है उनको कंबल भी ओढ़ते थे। तो कुछ इस तरीके से ही उनका कैरेक्टर आगे हमें बताया जाता है कि उनके बाल पक गए थे, दाढ़ी लंबी थी काफ़ी उनकी, ठीक है, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से घिरा रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की थी कनपटी टोपी, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन जब जाड़ा आता था तो वे काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, कंबल ओढ़ लेते थे काले रंग का। मस्तक पर, मतलब उनके माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा हुआ होता था, जो नाक के एक छोर से होता हुआ ऊपर जाता था, जैसे कि औरतों का टीका होता है, जैसे लंबा सा टीका औरतें लगाती हैं, नाक से शुरू होता है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि वो गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, मतलब कम्प्लीटली उनका लुक देखने में कैसा लगता था, जैसे कि वो कोई साधु संत हो, मतलब छोटा सा कद था उनका, हमेशा जो है कम कपड़े पहनते थे, लंगोट बांधे रहते थे, और दाढ़ी थी सफ़ेद रंग की, जगमगाता हुआ उनका चेहरा दिखता था, कनपटी कबीर पंथियों के जैसी कनपटी पहने रखते थे, ठीक है, जाड़ा आने पर काला कंबल ओढ़ लेते थे, हमेशा चंदन वाला टीका लगाए रखते थे। तो कुछ इस तरीके से उनका पूरा कैरेक्टर एक साधु संत की तरह है, बट एक्चुअल में वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ इंसान थे, मतलब उनका घर परिवार था। अब इस ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे हम ये नहीं मान सकते कि बाल गोविंद भगत जो है साधु थे, बिल्कुल नहीं, वो साधु बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो थे गृहस्थ इंसान थे। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो बीवी थी, वो अब नहीं थी, मतलब उनका देहांत हो गया था काफ़ी टाइम पहले। तो राइटर हमें बताते हैं, जो लेखक हैं वो हमसे कहते हैं कि लेखक ने उनके बेटे और उनकी पतोहू को देखा था। पतोहू का मतलब बेटे और बेटे की बहू, मतलब बेटे की बहू को पतोहू कहा जाता है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो दिखने में साधु जैसे दिखते थे। उनकी जो है खेती थी, खेतीबाड़ी वो करते थे, एक अच्छा साफ सुथरा उनका घर भी था, और इसके अलावा जो है वो दिखने में ही साधु जैसे थे, बट एक्चुअल में गृहस्थ थे। लेकिन साधु संतों की जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो उनको देखकर लगता था कि हाँ, ये एक्चुअल में एक साधु हैं, थे नहीं बट लगते थे, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके बोलचाल के तरीके से, इन सभी से। आगे लेखक हमसे कहते हैं कि वो जो है कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, उनके गाने गाते थे, उनके दोहों को गुनगुनाते थे, और उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उपासक थे, उनके उनके आदर्शों पर भी चलते थे वो कबीरदास के, कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा खरा व्यवहार करना, और किसी से भी कोई भी दो टूक बात कहने में उनको कभी कोई डर नहीं लगता था, जो सही है वो हमेशा उस बात को कह देते थे, कभी किसी से बेफालतू का या खामोखा का वो झगड़ा मोल नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी से ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता था। कभी भी वो अपनी लाइफ में किसी दूसरे इंसान के खेतों में शौच करने, मतलब टॉयलेट वगैरह सुसु वगैरह करने नहीं जाते थे, ठीक है, वो गृहस्थ थे, लेकिन उन सब चीज़, उनका मानना था कि उनकी पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब साहब की देन है। साहब किसको मानते थे वो? यहाँ पर साहब कहा गया है कबीर दास जी को, क्योंकि वो कबीर दास के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए क्या करते थे कि जो कुछ भी उनके खेतों में अनाज पैदा होता था, वो उसे सिर पर लाद कर पहले जो है साहब के दरबार में, यानी कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे। और ये जो दरबार था, उनके घर से 4 कोस दूर था,
और इस दरबार का नाम क्या था, ये कबीरपंथी मठ था। यहाँ पर वो जाते थे, इनके उपासक थे ना कबीर, कबीरदास जी के, तो वहां पर जाते और दरबार में जो है सारा का सारा अनाज अपना भेंट के रूप में कबीर के सामने वो रख देते थे, और वहां से जो उन्हें मिलता था प्रसाद के रूप में उसको घर लाते और उसी से उनका गुजारा चलता था। अब आगे लेखक हमें बाल गोविंद भगत जो है इनके शौक के बारे में बताते हैं, किस किस चीजों का इनको शौक था। तो कहते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें जो है कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादलों से घिरा है, धूप का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है, ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही है, और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ये झंकार क्या है, ये सुर कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन है और ये कौन गुनगुना रहा है, ये पूछने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेखक हमें बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो गा रहे हैं खेतों में, अपने खेतों में वो रोपनी कर रहे हैं, उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस धरती की पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, मतलब सुर लगा रहे हैं यहाँ बाल गोविंद भगत खेतों में बैठकर, और पूरी तल्लीनता के साथ पूरी मेहनत के साथ गाना गा रहे हैं, पूरे डूबे हुए हैं अपनी सुरताल में, वो बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं और मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है कि वो गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, और ये बाल गोविंद भगत के संगीत का ही जादू है। आगे हमसे लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कार्तिक आया नहीं, कार्तिक मतलब कार्तिक का महीना, और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, प्रभातियां मतलब गाना गाते थे वो, जो फागुन के महीने तक चलती थी। इन दिनों वो सुबह ही उठ जाते थे, सवेरे सवेरे न जाने किस वक्त जग कर वो नदी स्नान को जाते, गाँव से कम 2 मील की दूरी पर, और वहां से आराम से नहा धोकर लौटते और गाँव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो लेखक हमसे कहते हैं कि लेखक शुरू से ही देर तक सोने वाले इंसान थे, किंतु एक दिन क्या हुआ कि माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, दांत किटकिटाने वाली भोर का मतलब बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड थी, और लेखक उस दिन उठ गए, सुबह उठ गए, तो उनका संगीत लेखक को पोखरे पे ले गया, मतलब वो गा रहे थे ना बाल गोविंद का भगत, तो जो है लेखक जो है उनके संगीत के पीछे पीछे सुनते हुए वहां पर पहुंच गए। और यहाँ लेखक हमें आगे बताते हैं कि अभी आसमान के तारों जो है थोड़े थोड़े टिमटिमा रहे थे, पूरी तरीके से डूबे भी नहीं थे, मतलब दिन अच्छे से निकला भी नहीं था, खेत बगीचा घर पर सब पर अभी जो है कोहरा सा छा रहा था, कोहरा कोहरा सा, सारा वातावरण अजीब रहस्य से भरा हुआ था, पर उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे, मतलब इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड में, और अभी ठीक से तारे भी नहीं बुझे थे, अभी रात का सा ही ऐसा माहौल सा लग रहा था, और इस कड़कड़ाती ठंड में जो बाल गोविंद भगत थे वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठे हुए थे और वो अपने सुरताल लगा रहे थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते, इतने एक्साइटेड हो जाते कि ऐसा लगता था कि अभी खड़े हो जाएंगे, अभी डांस करने लग जाएंगे, कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, और लेखक कहते हैं कि वो तो जाने से कांप रहे थे, लेकिन तारों की छाव में भी जो ये बाल गोविंद भगत थे उनके मस्तक से मतलब उनके सर से ऐसा लग रहा था कि पसीने की जो है बूंदे टपक रही हो, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और गाने में बिल्कुल डूबे हुए थे। अब जो है आगे लेखक यहाँ पर हमारे साथ एक किस्सा बताते हैं बाल गोविंद भगत से रिलेटेड, वो कहते हैं क्योंकि लेखक जानते थे बाल गोविंद भगत को, तो कहते हैं कि इन बाल गोविंद भगत का जो संगीत को लेकर प्रेम था, जितने वो पागल थे संगीत को लेकर, गाने बजाने को लेकर, वो संगीत के लिए प्रेम लेखक ने उस दिन देखा बाल गोविंद भगत का, जिस दिन बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई। जी हाँ, बाल गोविंद भगत का एक बेटा था और उनकी बहू थी, तो उनके जो बेटा था वो दिमागी तौर से थोड़ा सा कमजोर था और उसकी मौत हो गई थी किसी वजह से, इकलौता बेटा था और कुछ सुस्त था, थोड़ा बोधा सा था, और इसी वजह से बाल गोविंद भगत उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते थे और वो ये कहते थे कि ऐसे ही इंसानों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और ऐसे ही लोगों से ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब जो थोड़े से मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, इन्हीं लोगों को निगरानी की जरूरत होती है और प्यार की और मोहब्बत की जरूरत होती है।
और बड़ी खुशी खुशी जो है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी करवाई थी, और बड़ी अच्छी और सुलझी हुई जो है वो पतोहू मतलब बहू लेकर आए थे घर। बहुत सुशील और अच्छी बहू थी जिसने आते ही पूरा उनका घर संभाल लिया, पूरे घर की प्रबंधिका बन गई थी वो। और जो बाल गोविंद भगत थे उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों से उसने छुटकारा दे रखा था, लेकिन उनका बेटा बीमार था और इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। मतलब जब तक बेटा बीमार था कोई नहीं, इतना कोई ज्यादा देखने नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तो लोगों का वहां पर तांता लग गया। कहाँ पर? बाल गोविंद भगत के घर पर। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने भी सुना कि भी बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, और इसलिए लेखक भी उसके घर पहुंचे। लेकिन जब वो लेखक बाल गोविंद भगत के घर पहुंचे तो वो देखकर जो नजारा वहां उन्होंने देखा वो दंग रह गए। नजारा क्या देखा कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था, मतलब उस पर कफन उन्होंने उढ़ा रखा था, और कुछ फूल लगे हुए थे उन्हीं को तोड़कर उसके ऊपर मतलब जो उसकी जो है मृतक शरीर था उसके ऊपर उन्होंने डाल रखा था, बिखेर रखा था। इसके अलावा जो है लेखक हमें ये बताते हैं कि एक चिराग भी उन्होंने जला रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए बैठे हुए थे वो और गीत गा रहे थे। है ना कितनी हैरानी की बात, कहाँ उनका बेटा गुजर गया है, बेटे की मृत्यु हो गई है, और वो वहां पर इस तरीके का वहां पर भी जो है गाना वाना गा रहे थे, गीत वीत गुनगुना रहे थे, बैठकर गीत गाए जा रहे थे। कोई सुध नहीं है, मोहल्ले की औरतें रो रही थी आसपास आकर, वही पुराना राग वही पुराना स्वर पूरी तल्लीनता के साथ पूरे जोश के साथ। और घर में जो है उनकी बहू रो रही थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। गांव की औरतें उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत को कोई होश नहीं था, वो तो अपने गाने में ही डूबे हुए थे और गाए ही जा रहे थे। हाँ, कभी कभी गाते गाते अपनी जो है बहू के नजदीक जाते, पतोहू के पास जाकर उससे समझाते समझाते बुझाते, और उससे कहते कि रोने की क्या बात है भाई, उत्सव मनाओ, ये तो जश्न का माहौल है, ये तो जो है खुशियां मनाने की बात है। क्यों बाल गोविंद भगत ऐसा क्यों कहते? वो इसलिए कहते क्योंकि उनको लगता था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, आत्मा तो परमात्मा का एक रूप होती है, तो वो उसके पास चली गई है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, इससे आनंद की बात क्या होगी। इसलिए बाल गोविंद भगत अपनी बहू से कह रहे थे कि तुम रो मत, जो हुआ बढ़िया हुआ, और वो अपना ऐसे ही गाने वाने में बिजी थे। अब जो है बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया उन्होंने, किसी तरीके का कोई ड्रामा नहीं किया, और बेटे की जो चिता है उसको जो है अपनी बहू से अपनी पतोहू से ही उन्होंने आग दिलाई। लेकिन जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो अपनी बहू से उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने घर चली जाओ, अपनी बहू के भाई को बुलाकर उससे कहा कि इसको घर ले जाओ, और ये भी आदेश दिया कि अब तुम इसकी दूसरी शादी करा देना, क्योंकि उसकी जात उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं थी, फिर से विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उनकी पतोहू जो है उनकी बहू जो है वो ये चाहती थी, वो ये आग्रह कर रही थी, विनती कर रही थी कि वो वहीं रहकर बाल गोविंद भगत जी की सेवा करना चाहती थी और उसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। लेकिन भगत जी का ये कहना था कि नहीं, तुम अभी जवान हो और तुम अपनी पूरी जिंदगी यहाँ रहकर मेरी सेवा में बर्बाद मत करो, तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करो और तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी खराब करोगी। और आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुमसे कोई गलती हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, इससे अच्छा है कि तुम जाओ अपने घर जाओ और वहां से तुम फिर से कहीं शादी कर लो। पतोहू बार बार रो रो कर कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बुढ़ापे में आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आपकी सेवा कौन करेगा, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको कोई एक घूंट पानी भी नहीं देगा, तो मैं यहाँ आजीवन रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ कि आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी अपनी बात से तस्मस नहीं हुए, उनका फैसला अटल था, वो कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर से चला जाऊंगा, मैं इस घर को छोड़ दूंगा, वरना तू यहाँ से चली जा। और ये उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे वो बेचारी बहू आखिर क्या करती, उसको घुटने टेकने ही पड़े और वो वहां से चली गई। तो कुछ इस तरीके से भगत जी जो है बाल गोविंद भगत अपने जो है कहने के अपने इरादों के बिल्कुल पक्के थे। अब आगे लेखक हमें बाल गोविंद भगत की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसे वो इंसान थे वो हर वर्ष जो है गंगा स्नान के लिए जाते थे, अब उस इस साल भी जो है बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए गए, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने नियम व्रत का पालन ही किया। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे, पैदल ही जाते थे और आते थे, और घर से खाकर चलते थे और वापस घर ही आकर खाते थे, कहीं मार्ग में रुककर कहीं रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। वो 4-5 दिन लग जाते थे, इस दौरान वो उपवास रखते थे। एक बार जब घर लौटे,
एक बार मतलब जब वो घर लौटे इस यात्रा से तो उनको बुखार हो गया, तेज बुखार था। लोगों ने मना किया कि भी नहाओ मत, काम मत करो आप, पर वो माने नहीं। एक दिन क्या हुआ कि संध्या के समय यानी शाम के वक्त उन्होंने गीत गाए, लेकिन दूसरी सुबह लोगों को उनके गीत की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तब लोगों को जाकर पता कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ बाल गोविंद भगत की मृत्यु के साथ ही ये लेसन लेखक खत्म करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई है और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इसके लेखक है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है, सॉरी प्रेजेंट किया है मतलब बताया है हमसे कि बाल गोविंद भगत का पहले कैरेक्टर बताया है, कितने नियम सिद्धांतों के वो पक्के थे, संगीत के कितने बड़े उपासक थे, कितना संगीत से उनको लगाव था, संगीत गाते थे, यहाँ तक कि अपने बेटे की मौत पर भी अपने प्रेम को, अपने संगीत के प्रति प्रेम को उन्होंने नहीं छोड़ा, इरादों के पक्के थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, जो चीज़ कहते थे वो करते थे, मतलब एक अच्छे इंसान थे। बाल गोविंद भगत नाम के इस इन व्यक्ति के बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने राइटर ने बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले का चैप्टर जो हिंदी का है वो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा काव्य खंड है वो सारे के सारे जो हमारे काव्यांश हैं, चाहे सूरदास के पद हो, तुलसीदास के पद हो, आत्मकथ्य हो, कुछ भी हो, सारे मैंने पहले ही वीडियोज उनकी जो बनाई हुई है उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका जो है काव्यांश यानी काव्यखंड भी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसके अलावा आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमें हम जानेंगे बाल गोविंद भगत जो ये लेसन है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच।